नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो जो आपके एकलव मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी निकली हुई है, तो आप लोगों को पता है कि हम लोग उसकी फ्री क्लासेस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जेंडर रेशियो, मतलब भारत में आपका जो पुरुष और महिला का अनुपात है वो पहले कैसे हुआ करता था, किस प्रकार से चीज़ें बढ़ी घटी, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है और सबसे कम जेंडर रेशियो कहाँ पे है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में इसलिए रखा गया है कि आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि उसी प्रकार से इन सब पे भी काम किया जाता है। क्योंकि सारी चीज़ें हैं, आपको पता है कि जो भी पुरुष है या महिला है कैसे वो लोग इन सब चीज़ों को लेकर जागरूक होते हैं, इन सब पे ही ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, और आप लोग चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ के इस फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे जेंडर रेशियो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, सेक्स रेशियो एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो। जेंडर रेशियो को ही सेक्स रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, अगर इससे ऐसे क्वेश्चन आता है तो भी आपको इसके बारे में ही पता होना चाहिए। तो आप लोग एक ग्राफ देख सकते हैं, जब 1961 था, ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो सेक्स रेशियो था वो कैसे था, 941 यहाँ पे हजार, आपके 1000 पुरुष पे महिलाओं का अनुपात दिखाया गया है कि 1961 में 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं थी, 1941। ठीक है, और फिर 1971 में 1930 हुई, मतलब महिलाओं का स्तर कम हुआ। फिर 1981 में आपकी 1934 हो गई, कितने, 1000 पे। ठीक है, 1991 में 926 महिलाएं रही। यहाँ पे देखें आप लोग ग्राफ कितना नीचे जा रहा है इसका। 2001 में फिर 933 हुई, और 2011 में क्या हुआ, 943, यहाँ पे फिर से ग्राफ ऊपर हुआ। ठीक है, और ये जो रेड लाइन से दिखाया गया ये चाइल्ड रेशियो आपका दिखाया गया है। ठीक है, मतलब बच्चों का किस प्रकार से, मतलब जो छोटे बच्चे थे उनमें पुरुष और महिला का, मतलब जो बच्चियां हुई या बच्चे हुए उनका कैसे अनुपात रहा था, तो आप लोग ये देख सकते हैं। 1000 से पहले बच्चों का रेशियो कितना ज़्यादा हुआ करता था, फिर ये ग्राफ धीरे 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 नीचे होता चला गया, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में अभी भी कह सकते हैं पुरुष प्रधान देश माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लड़का चाहिए लड़की नहीं चाहिए, इस प्रकार से चीज़ें होती हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहीं पे बताया गया, हिस्टोरिकली सेक्स रेशियो इन इंडिया हैज रिमेन फेवरेबल टू मेल्स, मतलब लड़की की ज़्यादा उम्मीद, क्योंकि बच्चे जो हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ कैसे घटता जा रहा है, कि लड़के हैं नहीं, लड़कियों को बहुत जगह मार वार दिया जाता है, जिसे पता चलता है कि लड़कियाँ हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सारे आपके कुछ डेटा है जो आपकी 2011 में जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये डेटा पूरा आपको दिया गया है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। किसी देश में महिलाओं और पुरुषों की संख्या एक महत्वपूर्ण जनसंख्यकीय विशेषता है। ठीक है, मतलब महिलाओं और पुरुषों की जो संख्या है उसका क्या अनुपात है, उसको ही जेंडर रेशियो या लिंग अनुपात बोलते हैं। ठीक है, जनसंख्या में महिलाओं और पुरुषों की संख्या के बीच अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। ठीक है, मतलब जेंडर या सेक्स रेशियो को क्या बोला जाता है, जो महिलाओं पुरुषों के बीच जो भी अनुपात होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं एज ऑफ सेक्स स्ट्रक्चर। भारत की आयु और लिंग संरचना, जिसके अनुसार 2036 तक 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या में गिरावट और 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है। मतलब जिस प्रकार से पूरे अनुपात घटता जा रहा है, बच्चों की, मतलब बच्चियों की संख्या जैसे घटती जा रही है, उसे अनुमान लगाया जाता है कि 2036 तक क्या होगा, 15 वर्ष से कम आयु की जनगणना में गिरावट आएगी, और जो 60 वर्ष से अधिक की आयु के लोग होंगे उनमें वृद्धि की उम्मीद देखी जाएगी। ठीक है, जनसंख्या पिरामिड में बदलाव आएगा, क्योंकि 2036 में पिरामिड का आधार संकीर्ण हो जाएगा जबकि मध्य चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिए गए हैं कि टॉप जो 5 स्टेट राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन से हैं। एक तो आपका लद्दाख है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1000 पुरुष पे 1104 महिलाएं हैं, मतलब वहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, कहाँ पे, लद्दाख में। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में
1000 पुरुष पे कितनी है, 1011 महिलाएं। यहाँ भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपका, वहां पे 984, ठीक है, मतलब 1000 जो आपके पुरुष हैं उसमें 984 आपकी महिलाएं हैं, ठीक है। त्रिपुरा में 1000 पे 974 और केरला में 969, ठीक। तो ये आपके टॉप 5 स्टेट हैं जहाँ पे महिलाओं की संख्या को लेके काफी अच्छा रेशियो रहता है, ठीक है। और ये टॉप बॉटम है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मणिपुरी है, मणिपुर, वहाँ पे 1000 पे 880 ही महिलाएं हैं, ठीक है। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव में 898 महिलाएं हैं, कितने, 1000 पुरुष पे। गुजरात में 909, हरियाणा में 916, मध्य प्रदेश में 921। तो ये बॉटम से आपकी है स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश जिनमें महिलाओं की संख्या इस प्रकार से है, और ये टॉप 5 है, ठीक है। इसके बाद देखिए, किसी देश की जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना विभिन्न तरीकों से लिंग संबंधी मुद्दों को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने वाले आयु संरचना मुख्य रूप से प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर के रुझान से निर्धारित होती है। अब क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं, लेकिन कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई चेकअप ऐसे नहीं कराने हैं कि पता करें आपकी लड़की है या लड़का है, उस पर काफी सजा का भी प्रावधान है, लेकिन फिर भी दूसरे गलत तरीकों से या कैसे भी वो लोग पता करके अगर लड़की है तो उसको अबॉर्ट करवा देते हैं, या फिर मतलब ऐसी दवाइयाँ ले लेते हैं जिससे कि बच्चा जो है खराब हो जाता है, और लड़का है तो उसको रखा जाता है। तो इसी प्रकार से ये रेशियो जो है काफी कम होता चला जा रहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रेशियो किस किस प्रकार से बढ़ घट रहा है। ये एज ग्रुप दी गई है इधर, और ये 2021 का दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि ये सारी जो भी जानकारी है वो कौन सा मंत्रालय रखता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। तो ये जो है पूरी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय होता है, वो रिपोर्ट जारी करता है कि पुरुष और महिला का क्या अनुपात रहा है। भारत का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं 2036 तक सुधरकर 952 हो जाने की उम्मीद है, ठीक है। 2011 में 943 से काफी अधिक है, मतलब 2036 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि महिलाओं की संख्या जो है, 1000 अगर पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी, 252। मतलब ये एक आइडिया लगा के चल रहे हैं, क्योंकि तो इस पे काफी काम भी किया जा रहा है। अभी 2011 में क्या था कि 1000 पुरुष पे आपकी 943 महिलाएं थी, ठीक है। ये चाइल्ड रेशियो जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, 1961 से 2011 के बीच में ये देखे गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी, और पूरा ये 1000 के अनुमान से ही बताया गया है, 1961 में कैसे रहा, फिर 1971 में, ठीक है। ये बच्चों की दर दिखा, आप लोग देख, बच्चों मतलब 1000 लड़के हैं तो उस पर कितनी लड़कियां हैं। यहाँ पे 1961 में 976 हुआ करती थी, ठीक है। 1971 में 964, फिर 1981 में 962, 1991 में 945, 2001 में फिर क्या हुआ, 927, 918। ये देखो आप लोग घटता ही जा रहा है, ठीक है। तो इसको बढ़ाने की प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि आगे चल के मतलब पुरुष ज़्यादा होंगे, महिलाएं ज़्यादा, महिलाएं कम हो जाएंगी, तो बहुत सारी जो कह सकते हैं कि नेचुरल प्रोसेसिंग होती है या फिर नेचुरल चीज़ें होती हैं उनमें भी काफ़ी गड़बड़ी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं स्टेट लेवल पार्टनर्स ऑफ सेक्स रेशियो। स्वतंत्रता के बाद 1951 से 2011 तक की अवधि के दौरान ग्रामीण भारत में लिंगानुपात 1965 से घटकर 1946 हो गया है, और शहरी भारत में 860 से बढ़कर 929 हो गया है। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे 965 से घट के कितना हो गया, 946, मतलब वहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है, मतलब बच्चियाँ कम हो रही हैं, ठीक है। और जो शहर के लोग हैं वहाँ पे पहले 860 देखा गया था, अब वो बढ़ के कितना हो गया है आपका, 929, ठीक है। लोग थोड़े पढ़े लिखे ओपन माइंडेड होते हैं, भेदभाव कम रखते हैं, क्योंकि गांव वगैरह में अभी भी ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अखिल भारतीय स्तर पर लिंगानुपात 1951 में 946 से घटकर 2011 में 943 हो गया है। इस अवधि के दौरान
19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक, 19 जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें काफी अच्छा अनुपात देखने को मिला है। ठीक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 4.60%, दिल्ली में 13.2%, असम में 10.34% और पश्चिम बंगाल में 9.82% में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पे ग्राफ जो है लड़कियों का बढ़ रहा है। इसके विपरीत 16 राज्यों के सारे प्रदेशों में लिंगानुपात में उल्लेखनीय कमी भी देखी गई है। जैसे आपके दमन और दीप हैं, ठीक है, दादरा नागर हवेली है, गोवा, लक्षद्वीप और बिहार, यहाँ पे काफ़ी कमी भी देखने को मिली है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे कहाँ पे बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा केरला में लड़कियों की अच्छी खासी संख्या देखने को मिलती है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है, ठीक है, जहाँ लिंगानुपात केवल 879 है, जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात केरल 1084, ये 1000 के हिसाब से ही सारा अनुपात निकाला जाता है। ठीक है, यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात की बात करें तो भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी में लिंगानुपात सबसे अधिक, ठीक, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें कहाँ पे, पुडुचेरी में। तो आपकी जो मेन मेन जगह है कहाँ पे कम है कहाँ पे ज्यादा है, इन सबको ही आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जबकि दमन और दीप में लिंगानुपात सबसे कम 618, आप देख लो यहाँ पे कितनी ज्यादा कम है। ये केंद्र शासित है आपके, ये केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनकी बात हो रही है और ये नॉर्मल जो राज्य हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कम ज्यादा और यहाँ पे कम ज्यादा। निचले पांच स्थान पे भारत के पांच केंद्र शासित प्रदेशों यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप का कब्जा है। ठीक है, आप सोच रहे हो दिल्ली को कितना, मतलब एक कैपिटल राजधानी माना जाता है, फिर भी यहाँ पे निचले पांच स्थान पर भारत के पांच केंद्रीय, इन पे ऐसे किस प्रकार से चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये पुडुचेरी और लक्षद्वीप ऐसे दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 900 से अधिक महिलाओं का अनुपात है। तो जो पुडुचेरी और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश, ये केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, यहाँ पे दिल्ली सहित चंडीगढ़ सहित में काफी कम रेशियो देखा गया है। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, ये पूरा चार्ट बना हुआ है कि किस किस प्रकार से है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फीमेल पर 1000 मेल, मतलब 1000 पुरुष पे ये दिखाई गए हैं। तो सबसे ज्यादा ये जो सबसे डार्क वाले दिखाए गए, जहाँ पे आपको डार्क डार्क दिख रहा है, तो उसमें है कि 1000 से ज्यादा महिलाएं, फिर ऐसे धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे चाइल्ड रेशियो की। बाल लिंग अनुपात को 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। 2001 की गणना में भारत का बाल लिंगानुपात 927 था, जो 2011 की जनगणना में घटकर 918 हो गया है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक यानी 1972, जबकि हरियाणा में बाल लिंगानुपात सबसे कम यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 834 महिलाएं देखने को मिली हैं। ये जो बच्चे मतलब जब पैदा होते हैं तब का ये रेशियो बताया गया है, मतलब बाल जब बच्चे होते हैं। ठीक है, बाल लिंगानुपात। इसके बाद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 968 महिलाएं। इसके बाद वर्तमान बाल लिंग अनुपात किसी भी जनसांख्यिकीय व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लिंग अनुपात ही है जो आने वाले वर्षों में समग्र लिंग अनुपात का निर्धारण करेगा। क्योंकि ये बहुत ही, यहाँ पे बहुत कम है, वहाँ पे बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि सारी चीजें मतलब आपको पता है कि एक सृष्टि को चलाने के लिए सारे लोगों का होना बहुत जरूरी है। इतनी इतनी कम संख्या होगी तो फिर चीजें कैसे वर्क करेंगी आगे। ठीक है, बालिकाओं की उपेक्षा और कम बाल लिंगानुपात के कुछ कारण हैं। कारण क्या है? बेटे को प्राथमिकता या विश्वास कि केवल बेटा ही अंतिम संस्कार कर सकता है। वंश और विरासत पुरुष वंश से चलती है। बेटे बुढ़ापे में माता पिता की देखभाल करेंगे, पुरुष ही रोटी कमाने वाले होते हैं इत्यादि। तो ये मुख्य कारण है, इसलिए बेटे को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि बेटा ही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं
अत्यधिक दहेज की मांग कन्या भ्रूण हत्या शिशु हत्या का एक अन्य कारण है। मतलब वो लोग सोचते हैं कि लड़की होगी तो उसके लिए दहेज को भी इकट्ठा करना, सारी चीजें अरेंज करना, तो इसीलिए उसको मार ही दिया जाता है पहले ही। ठीक है, लिंग निर्धारण परीक्षणों की आसान उपलब्धता के साथ छोटे परिवार का मानदंड गिरते बाल लिंग अनुपात में उत्प्रेरक हो सकता है, और गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन सुविधाओं की आसान उपलब्धता से और भी आसान हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि जब प्रेग्नेंट होती है लेडीज तो वही डॉक्टर के पास जाके, जबकि ये इलीगल है लेकिन फिर भी पैसे देके या कोई संपर्क निकाल के वो लोग चेक करवा लेते हैं कि लड़की है लड़का, तो उसी हिसाब से अब मतलब लड़की को खत्म कर दिया जाता है। तो ये एक पूरा हत्या का विषय है जिसपे सरकार काफी काम भी कर रही है कि ये सब चीजें बंद हो जाए, लेकिन एक कह सकते हैं कि समाज में एक एक नागरिक का ये कर्तव्य होना चाहिए कि इन सब चीजों पे ध्यान दें, नहीं तो तब तक ये सब चीजें बंद नहीं होंगी। ठीक है, ये चाइल्ड सेक्स रेशियो का दिखाया गया है कि किस किस प्रकार से है। ठीक है, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि मेन कंक्लूजन क्या निकलता है। लिंगानुपात जनसंख्या में लिंग संतुलन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। जैसा कि पहले अवधारणाओं पर अनुभाग में उल्लेख किया गया, ऐतिहासिक रूप से लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में थोड़ा सा रहा है। ठीक है, यानी प्रति यहाँ पे 1,000 है, 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या आमतौर पर 1,000 से कुछ अधिक रही है। ठीक, मतलब जो पहले आपने देखा कि जो पुरुष और महिला का अनुपात था वो ज्यादा हुआ करता था, फिर जैसे धीरे 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 2011 तक जो भी जनगणना हुई वहां पे क्या देखा गया, ये चीजें कम होती चली जा रही है। ठीक है, भारत में एक सदी से भी अधिक समय से लिंगानुपात में गिरावट आ रही है। शुरुआत में प्रति 1,000 पुरुषों पर 972 महिलाओं से 21वीं सदी की शुरुआत में लिंगानुपात, मतलब पहले 972 हुआ करता था, फिर कितना हो गया 933, मतलब घट के आप देख रहे कितना कम हो गया है ये। ठीक है, ये 21वीं सदी की बात हो रही है, ये पहले टाइम की बात नहीं हो रही, पहले टाइम पे काफी अच्छा खासा लिंगानुपात हुआ करता था। ठीक है, लेकिन जिस बात ने वास्तव में जनसांख्यिकी नीति निर्माताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, चिंतित नागरिकों को चिंतित कर दिया है वह बाल लिंगानुपात में भारी गिरावट है। मतलब पुरुष और महिला का अनुपात फिर भी थोड़ा सही देखने को मिलता है, लेकिन जो बाल लिंगानुपात है, मतलब बच्चे जो अब हो रहे हैं, वो काफी चिंता का विषय है, क्योंकि एक लड़के की चाह में लड़कियों को काफी मार दिया जाता है या फिर अबोसन हो जाता है कुछ भी। आयु विशिष्ट लिंगानुपात की गणना 1961 में शुरू हुई। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लिए लिंग अनुपात किशोर या बाल लिंग अनुपात के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर सभी आयु समूह के समरंग लिंग अनुपात में काफी अधिक है, लेकिन यह बहुत तेजी से गिर रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर इसका एक चार्ट भी देखा था कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 1961 से यहाँ पे कितना गिरता चला जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप चार्ट भी याद रखेंगे ना, तब भी आपको आसानी होगी ये सब चीजें करने में। 1991 से 2001 का दशक एक विसंगति प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें समग्र लिंगानुपात अब तक की सबसे अधिक 6 अंक की वृद्धि दर्ज की गई है, जो अब तक की सबसे निचले स्तर 1927 से बढ़कर 1933 हो गया है, लेकिन बाल लिंगानुपात 945 से गिरकर 927 हो गया है। पहली बार कुल लिंगानुपात में 18 अंकों की गिरावट आई है। तो ये 1991 से लेकर 2001 तक का ये पूरा डेटा दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो ये भारत की जनगणना जो हुई थी 2011 में, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये चार्ट भी यहीं से लिया गया है, ये चाइल्ड सेक्स रेशियो दिया गया है आपका कि किस किस प्रकार से ये हुआ, ये ऊपर भी चार्ट आपको दिखाया गया है। इसके बाद सेक्स रेशियो चाइल्ड रेशियो का अनुपात दिखाया गया है कि सेक्स रेशियो तब भी मतलब बढ़ रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर ये बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन जो चाइल्ड रेशियो वो काफी गिरता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ये सारे चार्ट आपको दिए गए हैं, तो इनसे आप लोग और अच्छे डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, मेन यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं कि कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा लिंगानुपात है और कौन सा कम है। ठीक है, या टॉप 5 पूछ लिए जाते हैं इस प्रकार से, या टॉप 5 पूछ लिए जाते हैं, ऐसे आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर भी ये मैंने इसी में ऐड कर दिया है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में दिया गया,
मतलब इसमें चार्ट ही चार्ट है, वैसे इंग्लिश हिंदी का इतना कोई वो नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है कि कैसे जब मतलब पैदा होने के दौरान कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं, और अलग अलग चार्ट पूरा यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जो हम लोगों ने कल ही टॉपिक किया है, तो उससे रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ हैं। यहाँ पे मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसके हिसाब से ये पूरा चार्ट दिया गया है। ये पूरे ऑफिशियल वेबसाइट से, यहाँ पे कोई भी इधर उधर से नहीं ऐड किया गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस ये U5MR ये सब हम लोग कल क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पढ़ने में और आसानी होगी, क्योंकि ये जेंडर रेशियो उसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने आज इसको करवा दिया है कि आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत ना हो। छोटा सा टॉपिक है, एक दो बार पढ़ेंगे आराम से तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने अपना लोगो भी रखा है, शेयरिंग इज केयरिंग। तो आप भी केयर दिखाइए उन बच्चों के लिए जो पेड ग्रुप या पेड क्लासेस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपकी क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दिया गया है, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, और यूट्यूब चैनल का लिंक है जो आप शेयर कर सकते हैं, इनकी प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और लर्निंग टुगेदर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।